दिखाते हैं। फतेहाबाद जलघर में पेड़ काटने के मामले में जय सस्पेंड, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दिए सस्पेंशन के आदेश। संदीप सिंह ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं, अधिकारियों को भी दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फतेहाबाद जलघर में पेड़ काटने के मामले में जय सस्पेंड, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दिए सस्पेंशन के आदेश। संदीप सिंह ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं, अधिकारियों को भी दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फतेहाबाद से ये बड़ी खबर, तो पेड़ काटने के मामले में जई सस्पेंड कर दिए गए हैं और जो ये आदेश हैं वो खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने दिए हैं, विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फतेहाबाद से ये बड़ी खबर, जलघर में पेड़ काटने के मामले में जई को सस्पेंड कर दिया गया है, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सस्पेंशन के आदेश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फतेहाबाद से अजय जुड़ गए हैं। अजय, ये पूरा मामला क्या है जरा विस्तार से बताइए। सारा देखिए, आज ग्रीवेंस की मीटिंग थी और पहली बार ग्रीवेंस की मीटिंग में पहुंचे थे खेल मंत्री संदीप सिंह, पहली बार फतेहाबाद में अध्यक्षता कर रहे थे ग्रीवेंस बैठक की और यहाँ 16 मामले रखे गए थे जिनका 9 मामलों का मौके पर निपटान किया गया जबकि 7 पेंडिंग रखे गए हैं। इन्हीं में से एक मामला था गांव तामसपुरा के जलघर से जुड़ा। ग्रामीणों का आरोप था कि जलघर के अंदर कुछ हरे पेड़ लगे हुए थे जिन्हें जई ने बिना किसी विभागीय अनुमति के काट दिया है और इसको लेकर के शिकायत जो है ग्रीवेंस में रखी गई थी। इसके बैठक के दौरान जब इसका जवाब रखा जा रहा था तो मंत्री तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि जई को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आपने क्या किसी विभागीय अनुमति ली थी क्या पेड़ काटने के लिए, तो इस बारे में जई को जवाब नहीं दे पाया। इस मामले को देखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है मंत्री ने तुरंत प्रभाव से जई को सस्पेंड करने और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जी साधना, अजय, इस पूरे मामले में जई की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने आया है? देखिए, इस मामले में जब मीटिंग के दौरान ही खेल मंत्री ने जई का स्पष्टीकरण उनसे वहां मौके पर ही मांगा था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनका ये कहना था ग्रामीणों के कहने पर ही उन्होंने पेड़ काटे हैं लेकिन क्योंकि हरे पेड़ थे और इसकी विभागीय जो है अनुमति लेना जरूरी था, इसको लेकर के मंत्री ने इसको जई को जो है सस्पेंड किया है। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। विभाग ने जो मैंने अभी कहा आपको उसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई भी करेंगे और ये स्ट्रिक्ट आगे से मैसेज है कि पूरी तैयारी करके आए क्योंकि जो भी यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट या अपनी ग्रीवेंसेस लेके आता है उसको पूरा न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विजन है कि हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसको कोई दर्द है, तकलीफ है, वो हम पूर्ण रूप से उसकी तकलीफ सस्पेंड किया गया है, वहाँ पुलिस दे दीजिए।